मैक्रो एन एग्जाम्पल प्रोग्राम ऑफ मैक्रो। आज इस वीडियो लेसन में मैक्रो के बारे में हम जानेंगे। मैक्रो क्या है, क्यों मैक्रो को हम यूज करते हैं और मैक्रो को कैसे यूज किया जाता है, और एक एग्जाम्पल प्रोग्राम करके हम देखेंगे मैक्रो को कैसे यूज किया जाता है, और मैक्रो और प्रोसीड्योर का डिफरेंस भी हम जानेंगे मैक्रो समझते हुए। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मैक्रो। मान लीजिए डॉट डेटा पार्ट में आप तीन चार वेरिएबल स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया। मैं यहां पे पांच स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया, तीन पांचों को अगर आप प्रिंट करना चाहोगे तो कैसे प्रिंट करोगे? आपको डीएक्स रजिस्टर में ऑफसेट करके मैसेज वन को कॉल करना होगा, उसके बाद सर्विस रूटीन 9 से इसको प्रिंट करना होगा और इंटरप्ट कॉल करना होगा। ये तीनों इंस्ट्रक्शन प्रिंट के लिए यूज होता है। तो एक लाइन के लिए ये तीनों कोड आपको लिखना पड़ता है, दूसरा लाइन के लिए भी ये तीनों कोड आपको प्रिंट के लिए लिखना पड़ेगा। ऐसा करके पांचों लाइन को अगर आप लिखना चाहोगे तो पांचों लाइन के लिए ये तीनों कोड बार 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 आपको लिखना पड़ेगा। तो ये प्रोग्राम में गुड प्रैक्टिस नहीं है। प्रोग्राम में कुछ आसान एक तरीका होना चाहिए, जैसे कि तीनों लाइन को बार बार एक ही प्रिंट के लिए, ये प्रिंट के लिए यूज हो रहा है तो प्रिंट के लिए ही हमको तीनों कोड बार बार लिखना पड़ रहा है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि मैं प्रिंट कमांड डालूं और ये तीनों कोड ऑटोमेटिकली रन हो जाए और ये जो लाइन है स्ट्रिंग का जो लाइन है वो लाइन प्रिंट हो जाए। सिर्फ एक कमांड डालने से ये तीनों लाइन एक साथ में रन हो जाए। तो आप कह सकते हैं कि ये सर ये हम प्रोसीड्योर से कर सकते हैं। देखिए प्रोसीड्योर में क्या होता है, ये एक प्रोसीड्योर है, प्रोसीड्योर के बीच में अगर ये कोड आप डालेंगे, बीच में अगर ये कोड आप डालोगे तो ये मैसेज वन जो है वो स्टैटिक हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। तब जब आप प्रोसीड्योर को कॉल करोगे तो एक ही लाइन बार बार प्रिंट होगा, सेकेंड लाइन के लिए अलग सा प्रोसीड्योर, थर्ड लाइन के लिए अलग सा प्रोसीड्योर आपको बनाना पड़ेगा। तो ये एक ही बात हो गया, ये तीनों लाइन के लिए यहाँ पे आपको पांच लाइन लिखना पड़ रहा है, एक प्रोसीड्योर में ये काम नहीं बनेगा। तो यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज में मैक्रो का एक फैसिलिटी है जिससे कम बन सकता है, क्योंकि प्रोसीड्योर में क्या होता है, स्टैटिक ब्लॉक ऑफ कोड रन होता है, इसमें कुछ पैरामीटर पास नहीं कर सकते आप। जो कोड आप क्रिएट करोगे प्रोसीड्योर में वही कोड रन करेगा, जितने बार कॉल करोगे वही सेम कोड रन करेगा, लेकिन कुछ वेरिएबल पास करके आप कुछ रन नहीं कर सकते, मतलब प्रोसीड्योर में कोई वेरिएबल पास नहीं कर सकते। यहाँ पे तो पांच लाइन है, मान लीजिए अगर 100 लाइन 1000 लाइन आपको प्रिंट करना होगा तो क्या आप ये तीनों कोड बार बार लिखोगे? नहीं लिखोगे। तो कुछ एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जिससे हम बहुत आसानी से प्रिंट कर सके, जैसे कि मैं प्रिंट मैसेज वन करके फर्स्ट लाइन प्रिंट कर दूं, उसके बाद प्रिंट मैसेज टू करके सेकंड लाइन प्रिंट कर दूं, उसके बाद प्रिंट मैसेज थ्री करके थर्ड लाइन प्रिंट कर दूं, ऐसा एक सिंपल तरीका होना चाहिए। तो मैक्रो में वो फैसिलिटी दिया गया है। तो व्हाट इज मैक्रो? इट इज जस्ट ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन बी रीयूज विथ इनपुट पैरामीटर एनी वेयर इन द प्रोग्राम विथ नेम। मैक्रो में मैक्रो एक ब्लॉक ऑफ कोड, ये वाला कोड रन करेगा, लेकिन उसमें आप पैरामीटर पास कर सकोगे। अगर मैसेज वन पैरामीटर पास कर दिया तो मैसेज वन के लिए प्रिंट होगा, मैसेज वन के लिए तीनों कोड रन करेगा। अगर मैसेज टू अगर पास करोगे तो मैसेज टू के लिए ब्लॉक ऑफ कोड रन करेगा, मैसेज थ्री अगर पैरामीटर में पास करोगे तो मैसेज थ्री के लिए ब्लॉक ऑफ कोड रन करेगा। तो यही मैक्रो है। तो मैक्रो यूज हम क्यों करते हैं? मैक्रो समझाते हुए ही हम
इसको जान चुके हैं। रीयूजबिलिटी ऑफ इनपुट पैरामीटर विद इनपुट पैरामीटर, ये ब्लॉक ऑफ कोड को हम रीयूज कर रहे हैं, बार बार यूज कर रहे हैं विद पैरामीटर, पैरामीटर को चेंज करके इसको हम बार बार रीयूज कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे प्रोग्राम का कोड छोटा होता है, मतलब रिड्यूस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होता है, एरर का चांसेस कम जाता है, प्रोग्राम मैनेज होता है ठीक से। ये सब के लिए हम मैक्रो यूज करते हैं। और मैक्रो को कैसे यूज किया जाता है, हाउ टू यूज मैक्रो, बहुत सिंपल है, प्रोसीड्योर से भी सिंपल है। पहले तो नेम दे दीजिए, उसके बाद मैक्रो, उसके बाद एंड मैक्रो, एंड एम, मैक्रो का नाम देना होगा, उसके बाद मैक्रो लिखना होगा, उसके बाद एंड एम लिखना होगा, और यहां पे आपको पैरामीटर पास करना होगा, P1, P2, P3 ऐसा करके पैरामीटर, अगर सिंगल पैरामीटर है तो P1 करके पास कर सकते हैं। ये कुछ भी आप रख सकते हैं, नेम कुछ भी रख सकते हैं, पैरामीटर कुछ भी आप पास कर सकते हैं। जो पैरामीटर पास करोगे वही पैरामीटर के लिए ब्लॉक ऑफ कोड रन करेगा। तो यहां पे कैसे होगा काम, ये तीनों ब्लॉक ऑफ कोड के लिए, मान लीजिए मैसेज वन को हम प्रिंट करना चाहेंगे तो मैक्रो कैसे क्रिएट करना होगा, प्रिंट करके एक नाम दे दिया, उसके बाद मैक्रो लिखा, उसके बाद एक पैरामीटर पास किया P1 करके, और यहां पे एंड एम किया, मतलब मैक्रो को एंड किया। और यहां पे अगर P1 पास करते हैं तो यहां पे भी आपको चेंज करके P1 करना होगा, इससे मैक्रो रेडी हो गया। अभी इसको कैसे कॉल करना है, मैक्रो नेम स्पेस देके वेरिएबल नेम, जैसे ये प्रिंट मैसेज वन करते ही ये मैसेज वन जो वेरिएबल है, प्रिंट है मैक्रो का नाम, ये वाला नाम है जो मैक्रो का आप नाम देंगे, वो वाला नाम, उसके बाद पैरामीटर नेम जो यहां पे डेटा पार्ट में हम डिक्लेयर किए हैं मैसेज वन। तो मैसेज वन यहां पे प्रिंट मैसेज वन करते ही ये प्रिंट वाला मैक्रो में मैसेज वन पैरामीटर पास करेगा, ये पैरामीटर यहां पे जाके रिप्लेस होगा, और ये पैरामीटर यहां पे जाके रिप्लेस होगा, और ये ब्लॉक ऑफ कोड रन करेगा। तो यहां पे मैक्रो और प्रोसीड्योर में थोड़ा डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंस है हम ऑलरेडी जान चुके हैं, फिर भी हम दिखा देते हैं। पहले डिफरेंस बिटवीन प्रोसीड्योर एंड मैक्रो, प्रोसीड्योर एंड मैक्रो, प्रोसीड्योर में इनपुट पैरामीटर को आप पास नहीं कर सकते हैं, और मैक्रो में पैरामीटर से ही मैक्रो रन होता है, पैरामीटर पास करके ही मैक्रो को आप रन कर सकते हैं। और प्रोसीड्योर में रेट यूज होता है, मैक्रो में रेट यूज नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, मतलब है प्रोसीड्योर में आप रिटर्न होते हैं, मतलब प्रोसीड्योर को आप कॉल करते हैं प्रोग्राम में, फिर कॉल करने के बाद प्रोसीड्योर का जो ब्लॉक ऑफ कोड रन होता है उसके बाद रिटर्न होकर प्रोग्राम में वापस आता है। और मैक्रो में क्या होता है, पैरामीटर जब आप पास करते हैं मैक्रो में तो मैक्रो का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो प्रोग्राम मेन प्रोग्राम में वो कोड वहां पे रिप्लेस होता है विथ मैक्रो नेम। प्रोसीड्योर को आप कॉल करके ब्लॉक ऑफ कोड को रन करते हैं और मैक्रो का कोड रिप्लेस होता है प्रोग्राम में, तो मैक्रो कंपैरेटिवली प्रोसीड्योर से फास्ट होता है। तो ये हो गया मैक्रो क्या है, मैक्रो को हम क्यों यूज करते हैं, मैक्रो को कैसे हम यूज करते हैं। चलिए एक एग्जांपल प्रोग्राम बना के देख लेते हैं कि मैक्रो हमें यूज कैसे किया, मैक्रो कैसे यूज करते हैं। तो मैक्रो यूज करने के लिए पहले को तो मैं आपको बता दूं, ये मान लीजिए एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर है, मेन प्रोग्राम स्ट्रक्चर से पहले आपको मैक्रो को क्रिएट करना होगा। तो पहले हम मैक्रो को क्रिएट कर लेते हैं, प्रिंट मैक्रो P1 करके एक पैरामीटर पास कर दिया, उसके बाद ब्लॉक ऑफ कोड हम जो प्रिंट के लिए यूज करते हैं वो वाला कोड दे दिया विथ पैरामीटर P1, मूव DX ऑफसेट पैरामीटर P1,
उसके बाद मूव एज कॉमा 9, उसके बाद इंटरप्ट कॉल कर दिया और मैक्रो को एंड कर दिया, एंड एम करके मैक्रो को एंड कर दिया। अब ये अब मेन प्रोग्राम स्ट्रक्चर में आ सकते हैं। मेन प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए, मॉडल डॉट मॉडल स्मॉल, उसके बाद डॉट स्टैक 100 एज, उसके बाद डॉट डेटा, डेटा में आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है। यहाँ पे मैं मैसेज वन करके एक वेरिएबल डिक्लेयर किया स्ट्रिंग का, और मैसेज टू करके दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया स्ट्रिंग का। इसको हमको प्रिंट करना है विथ मैक्रो। तो ये हमको कैसे करना है, तो पहले तो हमको कोड सेगमेंट में डेटा सेगमेंट का वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए दो इंस्ट्रक्शन कंपलसरी लिखना पड़ता है। वो लिखना होगा मूव एक्स कॉमा एट द रेट डेटा और मूव डीएक्स कॉमा एक्स। इससे क्या होगा, मूव डीएक्स कॉमा एक्स से क्या होगा, एक्स का डेटा डीएस में शिफ्ट होगा, इससे एक हीप मेमोरी इनिशियलाइज होता है। इससे क्या होगा, कोड सेगमेंट में डेटा सेगमेंट का हर एक वेरिएबल क्विकली हम एक्सेस कर सकते हैं। ये मैं पहले बहुत बार बोल चुका हूँ आपको, अगर मालूम नहीं है तो मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, पिछला बहुत सारा वीडियो में हम बोले हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमको क्या करना होगा, इन दोनों को प्रिंट करना होगा। तो प्रिंट करने के लिए हम ऑलरेडी मैक्रो को क्रिएट कर चुके हैं, अभी सिर्फ मैक्रो को इनिशियलाइज करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, प्रिंट मैसेज वन। प्रिंट मैसेज वन करते ही प्रिंट जो है वो मैक्रो का नाम है जो मैक्रो हम क्रिएट किए हैं, और मैसेज वन वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम को हम मैक्रो में पास कर रहे हैं P1 की जगह। ये मैसेज वन P1 की जगह रिप्लेस होगा और ये पैरामीटर जाएगा यहाँ पे, और ये ब्लॉक ऑफ कोड जब रन होगा तो जो आउटपुट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये वाला कोड यहाँ पे चलाया जाएगा और रन होगा। उसके बाद प्रिंट मैसेज टू करके सेम प्रोसेस, प्रिंट करके मैक्रो को इनिशियलाइज किया और मैसेज टू को पैरामीटर के हिसाब से हमको पास करना है। तो मैसेज टू को पैरामीटर के हिसाब से पास किया, ये ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे रिप्लेस होके रन हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद प्रोग्राम से निकलने के लिए मूव एज कॉमा 4CH एंड इंटरप्ट INT21H, इसको लिखना कंपल्सरी है। तो इतना सा ही प्रोग्राम है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, मैक्रो का एक प्रोग्राम प्रैक्टिकल करके देख लेंगे। सो आई होप मैक्रो का ये लेसन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई समझने में दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करके बता सकते हैं, आपका कमेंट का आंसर हम देने का कोशिश करेंगे। और इस वीडियो का अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।